नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। टीम को जहां 3 वनडे 3 T20 और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली है। सबकी निगाहें एक बार फिर से टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर है। टीम इंडिया पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने आई थी तो कोई भी सीरीज नहीं हारी थी और पहली बार टेस्ट सीरीज पर कब्जा भी जमाया था। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में बेशक नजर नहीं आएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज में वो खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा एनसीए में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज से पहले उनकी पूरी तरीके से फिट हो जाने की उम्मीद है। फिट हो जाने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया का दौरे पर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने को लेकर रोहित शर्मा ने कई बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर भी बात कही। रोहित ने कहा, मैं टेस्ट सीरीज में टीम की जरूरत के हिसाब से किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि वो बतौर ओपनर मेरा रोल बदलेंगे या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो भी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उन्होंने ये तय कर लिया होगा कि विराट कोहली के जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी कौन करेगा। टीम मुझसे किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करवाना चाहे मैं तैयार हूं, लेकिन एक बार जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब साफ होगा कि क्या कुछ होने वाला है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई पिच के बारे में बात करते हुए कहा कि कहा जाता है कि यहाँ के पिचों पर काफी गेंद बाउंस करती है, लेकिन मुझे ऐसा पर्थ को छोड़कर पिछले कुछ साल में बाकी मैदानों पर बाउंस देखने को नहीं मिलता। अपनी बल्लेबाजी को लेकर उन्होंने कहा, मुझे इन दिनों कट शॉट्स और पुल शॉट खेलने में थोड़ा सोचना होगा। मैं इस वक्त ज्यादातर सीधे शॉट्स या फिर वी में खेलने की कोशिश करता हूं। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। पहले टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली भारत वापस लौट आएंगे और अभी से इसी बात की चर्चा चल रही है कि विराट कोहली के लौटने के बाद टेस्ट टीम की कमान कौन संभालेगा और ओपनिंग की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।